तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है अलमीरा, ALMIRAH, जिसको हम हिंदी में अलमारी बोलते हैं। अगर वही अलमीरा दीवार में लगा हो तो इंग्लिश में हम उसको कबर्ड बोलते हैं, CUPBOARD, कबर्ड। कबर्ड मीन्स दीवार में लगा हुआ अलमीरा। ओखली, ओखली को हम हिंदी में खरल भी बोलते हैं और जिसको इंग्लिश में मोटर बोलते हैं, MORTAR, मोटर। अंगारा, अंगारा को हम इंग्लिश में सिंदर बोलते हैं, CINDER। अंगीठी, हर्थ, HEARTH, अंगीठी, हर्थ, HEARTH। अंटी, या फिर हम उसको फिरकी या फिर अचेरन भी कई जगह बोले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉबिन, BOBBIN। स्त्री, इंग्लिश में आयरन, IRON। फ्यूल, FUEL। ईंधन, कड़ाही, कढ़ाई जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, कॉल्ड्रन, CAULDRON, कॉल्ड्रन। करछुल या फिर थंबल, जिसे आप सब्जी को चलाते हैं कढ़ाई में, लेडल, LADLE, लेडल। कंबल, ब्लैंकेट, BLANKET। कनस्तर, कैनिस्टर, CANISTER। कंघी, जिससे आप बाल को झाड़ते हैं, कॉम, COMB। यहाँ बहुत से लोग इसको कॉम भी बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। कुर्सी, चेयर, CHAIR। कांटा, फॉक, FORK, फॉक। जैसे बच्चे जब मैगी खाते हैं तो कांटे वाले चम्मच को यूज करते हैं, जिसको हम फॉक बोलते हैं। फनल, FUNNEL, जैसे आप किसी छोटे मुंह वाले बर्तन में जब भी पानी या गांव में आप किरोसिन तेल वगैरह डालते हैं तो उस कीप को बोलते हैं फनल। गगरा या मर्तबान, जार, JAR। दोस्तों नमस्कार, मैंने अपने जीवन के 11 साल आपके और आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स के बेहतरीन भविष्य में लगा दिए और आगे भी मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। आज आपका भाई, दोस्त, गुरु एक YouTube चैनल लेके आया है जिसका नाम है साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स। आपका स्वागत है आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स पे। दोस्तों इस चैनल का नाम पहले साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, जो आपके सुझाव के अनुसार मैंने बदल के साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स कर दिया है। बच्चों इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग के लेटेस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। तो बच्चों आपके गुरु को आपकी जरूरत है, आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप खुद भी अपने आप को एजुकेट करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। PASTRY BOARD, पेस्ट्री बोर्ड, चकला जिसपे आप रोटी बेलते हैं। चटाई, MAT, मैट। चमचा, स्पून, जिससे आप खाना खाते हैं, स्पून, SPOON। चलनी या फिर छलनी, जिसे आप चाय छानते हैं, या सीव, SIEVE। चादर, बेडशीट, BEDSHEET। चाबी, की, KEY। चरपाई, कॉट, COT। चिमटा, जिसे आप रोटी को या फिर किसी सामान को पकड़ के उठाते हैं, टोंग, TONG। चिमनी, इसको इंग्लिश में भी चिमनी ही बोलेंगे, CHIMNEY, चिमनी। चूल्हा, स्टोव, STOVE। अगर वो गैस का चूल्हा होगा तो उसको गैस स्टोव भी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा होगा तो इलेक्ट्रिक स्टोव बोलेंगे, जैसे चूल्हा बिजली का तो इलेक्ट्रिक स्टोव। छड़ी, स्टिक, STICK। छाता, अम्ब्रेला, छाता, अम्ब्रेला। झाड़ू, ब्रूम, BROOM, ब्रूम। झूला, स्विंग, SWING। ट्रे, ट्रे को इंग्लिश में ट्रे ही बोलेंगे, जिसमें आप चाय या पानी ले जाते हैं मेहमानों के लिए, TRAY, ट्रे। टोकरी, बास्केट, BASKET, बास्केट। डिब्बा, बॉक्स, BOX। डोंगा, जिसको अपन बाउल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, BOWL, बाउल। डोंगा, बाउल। तकिया, पिलो, PILOW, पिलो।
तकिए का गिलाफ यानी पिलो का जो कवर होता है, तकिए का जो कवर होता है उसको बोलते हैं तकिए का गिलाफ, पिलो कवर, पिलो कवर, PILLOWCOVER, तराजू बैलेंस, तराजू बैलेंस, तस्तरी सॉसर, SAUCER सॉसर, जो छिछला प्लेट होता है उसको हम तस्तरी बोलते हैं, तार वायर WIRE, ताला लॉक LOCK, तिजोरी सेफ, तिजोरी सेफ SAFE, तंदूर ओवन, तंदूर ओवन, थाली प्लेट, थाली प्लेट, दर्पण मिरर MIRROR मिरर, दर्पण मिरर, दिया सलाई की डिबिया मैच बॉक्स, दिया सलाई की डिबिया मैच बॉक्स, दिया सलाई की तिल्ली जिसे आप जलाते हैं मैच स्टिक, दिया सलाई की तिल्ली मैच स्टिक, दंत खोदनी खाने के बाद आप दांत साफ करते हैं टूथपिक, दंत खोदनी टूथपिक, दंत मंजन टूथ पाउडर, दंत मंजन टूथ पाउडर, अगर वो पेस्ट के फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं टूथ पेस्ट, धागा थ्रेड, धागा थ्रेड, धूपदानी सेंसर, धूपदानी सेंसर CENSER, नलका टैप जिसको आप नल बोलते हैं टैप TAP टैप, पलंग बेड, पालकी पलंगक्वीन, पालकी पलंगक्वीन, पायदान जिसपे आप पैर पोंछ के घर के अंदर आते हैं डोरमैट, पायदान डोरमैट, पिकदान जो पान खाते हैं वो थूकते हैं उसके अंदर That is called पिकदान, पिकदान, स्पिटून, प्याला कप, प्याला कप, फुलदान फ्लावर वाज, फ्लावर वाज, बच्चों की गाड़ी पेरम्बुलेटर, पेरम्बुलेटर, बत्ती विक, बत्ती विक, बर्तन पॉट, या फिर इसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं, पॉट या फिर कंटेनर या फिर यूटेंसिल्स, बटन BUTTON बटन, बर्फ रखने का बॉक्स आइस बॉक्स, बर्फ रखने का बॉक्स आइस बॉक्स, बाल्टी बकेट, बाल्टी बकेट, ब्रश ब्रश, ब्रश ब्रश, बोतल बॉटल, बोतल बॉटल, बोरा सैक, बोरा जिसमें आप गांव में सामान रखते हैं चावल दाल वगैरह रखते हैं बोरी के अंदर सैक, मथनी चरनर, मथनी चरनर जिसे आप दही को मथते हैं, मसनद या फिर तकिया वो गोल वाला तकिया बोलस्टर, मसनद या तकिया बोलस्टर, मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल, मेज टेबल, मेज टेबल, मोमबत्ती कैंडल, मोमबत्ती कैंडल, रकाबी या थाली डिस, रजाई या लिहाफ क्विल्ट, रजाई या फिर लिहाफ क्विल्ट, रस्सा रोप, रस्सी स्ट्रिंग, राख ऐश, लेखना धार टेबल डेस्क, लेखनी पेन जिसको आप कलम बोलते हैं लेखनी पेन, लोटा गांव में आपने लोटा देखा होगा बाउल, वस्त्र टांगने का अलमारी वार्ड्रोब, वस्त्र टांगने का अलमारी वार्ड्रोब, सीसी फाइल, सीसी फाइल, संदूक बॉक्स, सरौता नट क्रैकर, सरौता नट क्रैकर, सलाई निटिंग निडल, सलाई निटिंग निडल, साबुन सोप, साबुन सोप, साबुनदानी सोप केस जिसमें आप साबुन को रखते हैं, सुराही फ्लैगन, सुराही फ्लैगन, सुई निडल, सुई निडल, सरसी या चिमटी पिंसर्स, सरसी या चिमटी पिंसर्स, हुक्का आपने देखा होगा हुक्का पार्टी में हुक्का जो लोग पीते हैं हबल बबल, हुक्का हबल बबल या फिर इसको हुक्का भी बोलते हैं हबल बबल या फिर हुक्का SWKAH, चाकू छुरी कटलेरी,
चाकू छुरी कटलेरी चाकू नाइफ उथली कढ़ाई फ्राइंग पैन जो थोड़ी छिछली कढ़ाई होती है उसको फ्राइंग पैन बोलते हैं। केतली कैटल और अगर चाय की केतली होगी तो टी कैटल चाय की केतली टी कैटल। कांच वाली बोतल और उसको खोलना हो तो उसको बोलते हैं बोतल खोलने वाला बोतल ओपनर। बिजली से चलने वाला अगर भट्टी हो तो उसको बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन। गर्म पानी रखने वाले बोतल को हम बोलते हैं थर्मस। कद्दूकस करना हो तो ग्रेटर। पिज्जा काटने वाले मशीन को हम बोलते हैं पिज्जा कटर। मसाले रखने की जो बर्तन होती है किट होती है जिसको मसालदानी बोलते हैं स्पाइस किट। तवा स्किलेट। भूनने वाली कढ़ाई को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टिंग पैन। मिक्सर को बोलते हैं ब्लेंडर। गैस के सिलेंडर को गैस सिलेंडर। तो दोस्तों ये डेली यूज होने वाले वो घरेलू सामान थे जो आप यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, एक बार वीडियो को देखने से आपकी अंग्रेजी अच्छी होने वाली नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ देखने और पढ़ने से नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिस करने से होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अंग्रेजी आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको जरूरी है एक पार्टनर की। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो छोटे छोटे स्टिकर्स बना के अपने डेली यूज होने वाले सामानों पर चिपका सकते हैं ताकि जब भी आप उस सामान को छुएं तो आपको उसका सही उच्चारण एक बार फिर से याद हो जाए और बार बार प्रैक्टिस करते करते कि आपकी अंग्रेजी अपने आप अच्छी हो जाएगी। एंड विल स्पीक लाइक अ इंग्लिश मैन। सर जो पढ़ा वो याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूं? बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे लगभग 2.5 अगर आप अपने सिलेबस के जो अभी भी मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, अभी भी कुछ कड़वा सुनना चाहते हैं, जिस समझिए एनालाइज कीजिए। जय हिंद जय भारत।